हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 19th of May 2021 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा स्टॉक के ऊपर जिसका एक्चुअल करेंट मार्केट प्राइस करीबन 1400 रुपये के आसपास हुआ करता था आज से करीबन कुछ साल पहले ही, जो कि आज की डेट में आपको ये शेयर मिल रहा है 190 रुपये के आसपास। आज की डेट पे ये कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आउट हुआ है और आया है बहुत शानदार रिजल्ट, 2 गुना प्रॉफिट हुआ है ईयर ऑन ईयर। उसके साथ साथ कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड भी दिया अपने शेयर होल्डर्स को। कौन सा ये स्टॉक है, इस वीडियो में हम जानेंगे। क्वार्टर फोर का रिजल्ट, डिविडेंड कनोडी, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये 4 चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ चुके हैं कंपनी द्वारा भेजा गया क्वार्टर फोर की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले हम रिजल्ट पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम डिविडेंड की नोटिस के ऊपर चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कंपनी का नाम भी दिखा देता हूँ। ये कंपनी के ऊपर मैं लगातार लास्ट महीने पे भी एक दो बार यहाँ पे वीडियो बनाया था, तब इसका जो शेयर है प्राइस चल रहा था 170 रुपये के आसपास, जो कि आज की डेट में 190 रुपये के आसपास चल रहा है। कंपनी का नाम है दोस्तों इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जो कि कुछ टाइम पहले, लगभग 1.5-2 साल पहले दोस्तों इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर है वो करीबन 1000 रुपये के ऊपर, 1400-1300 रुपये के आसपास चलने वाला स्टॉक है, जो कि लगातार गिरावट के बाद आज की डेट में आपको 190 रुपये में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इंडिया बुल्स का भी आज की डेट में क्वार्टरली रिजल्ट आउट हुआ है, जो कि रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत शानदार रिजल्ट कंपनी द्वारा प्रेजेंट किया, साथ में डिविडेंड भी दिया। चलिए फटाफट हम सबसे क्वार्टर फोर रिजल्ट फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं 3.5 करोड़ पे लिखा हुआ है। ये करेंट क्वार्टर का रिजल्ट मार्च 2021 का, ये लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2020 का रिजल्ट, और ये है लास्ट ईयर 20 मार्च का रिजल्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ये तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आता है टोटल इनकम। अब टोटल इनकम दोस्तों कंपनी का इस क्वार्टर में हुआ है 2421 करोड़ रुपये, 2421 करोड़ रुपीज़, जो कि लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2020 में हुआ था 2514 करोड़ रुपए का। यानी देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कंपनी का काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला टोटल इनकम के अंदर। अब बात आते हैं लास्ट ईयर यानी 2020 की मार्च क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम हुआ था 2954 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर पे भी काफ़ी ज़्यादा गहरा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो अब बात आते हैं, तो रिजल्ट तो कैसे अच्छा हुआ सर? तो देखिए दोस्तों, कंपनी का रिजल्ट डिपेंड करता है बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर। टोटल इनकम तो कंपनी ने इस बार गिरावट देखने को मिला, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर चाहे ईयर ऑन ईयर, बट टोटल एक्सपेंसेस दोस्तों, इसके कारण मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक्सपेंसेस दोस्तों ये और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि कोई भी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आएगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि एक्सपेंसेस अगर बढ़ गया तो नेट प्रॉफिट कम आएगा। आप चाहे कितना भी टोटल इनकम कमा ले, बट एक्सपेंसेस यानी आपका खर्चा अगर कंपनी का अगर बढ़ गया लगातार, तो उसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट के अंदर कोई ग्रोथ नहीं दिखा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा सीधा कंपनी का जो एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में नंबर आया है 2065 करोड़ रुपये, जो कि लास्ट क्वार्टर में आया था 2077 करोड़ रुपये। एंड लास्ट ईयर पे आप देखिए कितना ह्यूज आया था टोटल इनकम, भले ही ह्यूज कमाया था इस क्वार्टर से, बट कंपनी का एक्सपेंसेस देखिए काफ़ी ह्यूज आया था 2859 करोड़ रुपये। यानी ईयर ऑन ईयर चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों सेगमेंट पर हमें गिरावट देखने को मिला टोटल इनकम के अंदर। अब बात आते हैं कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया, यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड, एकदम लास्ट वाला कलम देखिए। तो कंपनी का इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट आया है 276 करोड़ रुपये 23 लाख रुपये, यानी 276 करोड़ 23 लाख रुपीज़, जो कि लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2020 में था 329 करोड़ रुपये का। यानी देखा जाए दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला, क्योंकि कुछ कुछ केस में दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बीट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली फाइनेंस कंपनी के केस में। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर, तो आप देख सकते हो लास्ट ईयर पे जहाँ पे टोटल इनकम हुआ था, टोटल नेट प्रॉफिट कमाया था कंपनी ने 126 करोड़ 85 लाख रुपए, 126 करोड़ 85 लाख रुपीज़, आप देख सकते हो इस क्वार्टर में वो दुगना से भी ज़्यादा बन चुका है। यानी सीधा सीधा कंपनी ने नेट प्रॉफिट बहुत शानदार जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। चलिए अब हम नीचे चल के देखते हैं कंपनी का बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर हमें कैसा चेंजेस देखने को मिला।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक ईपीएस एंड डायलूटेड डीपीएस कंपनी का इस क्वार्टर में है 6.20 का बेसिक, 6.19 का डायलूटेड, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 7.39 का बेसिक एंड डायलूटेड दोनों ही सेम था। तो यहाँ पे आप देखिए नेट प्रॉफिट घटने के साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कंपनी का जो बेसिक एंड डायलूटेड ईपीएस है उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिला, बट लास्ट ईयर पे था 3.27 का बेसिक एंड डायलूटेड ईपीएस। तो ईयर ऑन ईयर पे दोस्तों हमें चाहे नेट प्रॉफिट की बात करें चाहे ईपीएस की बात करें यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें, दोनों सेगमेंट पे हमें बढ़िया जंप देखने को मिला। मेरे ख्याल से दोस्तों इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो स्थिति है आज की डेट में धीरे धीरे चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो अच्छा यहाँ पे रिकवर कर रहा है कंपनी ने। उसका सीधा सीधा दोस्तों हमें एग्जाम्पल कंपनी का जो बैलेंस शीट है उस वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपके पास अगर इंडिया बुल का शेयर है हाउसिंग फाइनेंस का तो गलती से भी सेल मत करना। चलिए अब हम ऊपर चल के देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना कमाया। उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। दोस्तों ये कंपनी डिविडेंड देने में बाप है बाप। जी हाँ दोस्तों, एक 190 रुपये में चलने वाला स्टॉक डिविडेंड पे कर रहा है अपने शेयर होल्डर को 9 रुपये। कैन यू इमेजिन 9 रुपये का डिविडेंड पे कर रहा है। ऑलमोस्ट इसका डिविडेंड डील 4.5% से 5% के आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। और ये डिविडेंड का देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड डेट भी डिक्लेयर कर दिया है। रिकॉर्ड डेट क्या है? 31st of May 2021 मंडे। ध्यान देना दोस्तों, मंडे के दिन ये रिकॉर्ड डेट है, यानी 31st of May उसके अगला दिन संडे सैटरडे उसको आप छोड़ दीजिए, यानी 29th और 30 को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इस दिन 29th को सैटरडे 30th को संडे पड़ा। तो अगर आप खरीदते हो 27th को या तो उसके पहले, ध्यान देना दोस्तों 27th of May या तो उसके पहले अगर आप इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के शेयर खरीदते हो तो ज़रूर आपको डिविडेंड मिलेगा। और आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है यानी आपके पास शेयर है यहाँ पे इंडिया बुल का, तो आपको ज़रूर डिविडेंड मिलेगा। और ये डिविडेंड दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा 17th of June 2021, यानी बहुत जल्दी यहाँ पे डिविडेंड मिल जाएगा सभी लोगों को जो जो यहाँ पे एलिजिबल है। अब जो सबसे अहम एंड इम्पॉर्टेंट सवाल आ रहा है कि क्या सर हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। अगर हम बात करें आज की डेट पे ये 192 के आसपास मिल रहा है। मैं आपको एक महीने पहले से आपको बोल रहा हूँ, जब से ये शेयर नीचे गिरा था, देखिए 165, वो वीडियो भी आपको इस YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएगा। देखिए 165 से शेयर कहाँ पे आया, 190। मेरे ख्याल से ये और ज़्यादा ब्रेकआउट आ सकता है, इसके ऊपर 200 के ऊपर जा सकता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही शेयर दोस्तों ये 200 के ऊपर चल रहा था, देख सकते हो 250 रुपये में टच करके वहाँ पे थोड़ा सा गिरावट आया, रेजिस्टेंस फेस किया एंड नीचे की तरह सपोर्ट मिला 160 रुपये के आसपास। बट एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, इसमें कोई बहुत बड़ा रकम या बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे फंसा मत देना, क्योंकि है काफ़ी रिस्की स्टॉक, ये तो मैं भी मानता हूँ। यहाँ पे आप देखिए मार्केट कैप के बेस के हिसाब से ये एक स्मॉल कैप शेयर है, पी वैल्यूएशन दोस्तों बहुत ही अंडर वैल्यू है। अगर हम बात करें स्टॉक का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। देखिए एक टाइम पे ये स्टॉक करीबन 1400 रुपये, 1350-1400 रुपये के आसपास हुआ करता था, जो कि लगातार गिरने के बाद इतना ज़्यादा बैड लोन एनपीए बढ़ गया था कंपनी का, तो उसके कारण हमें लगातार इसके अंदर गिरावट देखने को मिला। बट उसके पहले का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे दोस्तों, एकदम शार्प ऊपर की तरफ रेज कर रहा था शेयर और लगातार उसके बाद देखिए गिरावट देखने को मिला। बट मेरे ख्याल से इसके अंदर जो स्थिति है स्टॉक के प्राइस का, मेरे ख्याल से इसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लास्ट भी अगर मैं बात करूं शेयर प्राइस करीबन 100 रुपए के नीचे आ गया था, मैं आपको दिखाने चाहूंगा। यहां पे आप देखिए स्टॉक प्राइस करीबन लास्ट ईयर आपको याद होगा जब लॉकडाउन के टाइम पे गिरावट के बाद देखिए 90 रुपए, 80-90 रुपए पे आ गया था, देखिए 98 रुपीज के आसपास। तब से लेकर आज तक दोस्तों काफी ज्यादा रिकवर भी कर चुका है। तो इसके अंदर अगर आपको निवेश करना है दोस्तों, आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म मतलब मिनिमम आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मैं 5 साल के आगे बेचूंगा नहीं। फिर भी काफ़ी रिस्की स्टॉक है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर ले, फिर कोई डिसीजन लेना। अगर हम बात करें आज की डेट में कारोबार का, तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी देखने को मिला एंड डिलीवरी भी ठीक ठाक देखने को मिला 18% के ऊपर। तो दोस्तों एट द एंड यही बोलूँगा कि देखिए रिजल्ट बढ़िया आया है, साथ में कंपनी ने डिविडेंड भी दे रहा है, तो इसका इफेक्ट हमें कल एकदम सीधा सीधा मार्केट ओपन होने के बाद ही देखने को मिलेगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए क्या शेयर प्राइस जंप लगाएगा या शेयर प्राइस में गिरावट होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।